लेकिन सरकार के द्वारा अन्न महोत्सव जो बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है, ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन इसमें मेरा सुझाव ये है कि अभी ये जो योजना भी इन्होंने चुनाव के समय शुरू की है, इसको चुनाव के समय ना शुरू करते हुए कोरोना काल के प्रथम कोरोना काल से ही शुरू कर देनी चाहिए थी। अब सरकार ने प्रथम कोरोना काल में जो है 5 किलो गेहूँ या चावल दे दिया, तो उससे गरीब का पेट नहीं भरता है, उसको जो है ईंधन भी चाहिए, उसको मसाले भी चाहिए, उसको तेल की भी आवश्यकता है और उसको दवाई दारू के लिए खर्चे की भी आवश्यकता है। तो इस ओर सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया ध्यान, बिल्कुल नहीं दिया। अब वर्तमान में मेरे हिसाब से तो ये एक चुनावी स्टंट है जो सरकार ने वर्तमान में लागू किया है। और इसको अगर देखें तो सिर्फ 4 महीनों के लिए क्यों किया है? 4 महीना अभी हाल में ही फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये जो चुनावी राजनीति है। यहाँ हमारे यहाँ राशन वितरण का कार्य शुरू किया जा रहा है 12 तारीख से, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड और 1 नमक का थैली अतिरिक्त फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और गेहूं चावल भी साथ में उनको दिया जा रहा है फ्री। उनका 1 लीटर नमक, 1 लीटर तेल, 1 नमक का थैली और 1 आपका चना का, और वो चावल और चावल और गेहूँ पात गृहस्थी पर 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल के हिसाब से, और अंत्योदय को 20 किलो गेहूँ और 15 किलो गेहूँ के हिसाब से दिया जा रहा है। कहाँ पर वितरण हो रहा है? ये श्याम सुंदर राधा निवास वृंदावन की दुकान पर वितरण हो रहा है। ये सभी जो राशन कार्ड धारक है सबों को, सभी को ये जो अतिरिक्त सामान है राज्य सरकार की तरफ से, नमक, रिफाइंड तेल और 1 चना, सभी को पात्रग्रस्ती हो या अंत्योदय, ये हमारे यहाँ पे सभी पूरी यूपी में 4 महीने का व्यवस्था की गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर वृंदावन। ये अभी 3 चीज एक्स्ट्रा मिली है हमें, रिफाइंड 1 किलो और 1 किलो चना और 1 किलो नमक। ये गवर्नमेंट की न्यू स्कीम है जो 4 मंथ के लिए है। इसको मतलब पहले क्यों नहीं लागू किया गया था, अब क्यों लागू कर रहे हैं? अब ये जो हमारी राज्य सरकार है बीजेपी, वो ये सोच के कुछ कर रही है शायद इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रुक जाओ, या फिर जनता के लिए उनके लिए कुछ अच्छा सोच के कर रही है कि सबको थोड़ा बेनिफिट हो सके, जिससे क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इफेक्टेड हैं, जो अभी ग्रो नहीं कर पाए हैं आफ्टर कोरोना, सो उनके बेनिफिट के लिए कर रही है शायद। मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो राजनीति से जोड़ के देखें या लाभुकों को। हाँ, बट वोटर्स को खरीद नहीं रही है वो। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, बट नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं कुछ कर रही है। क्या नाम है?